पर अभी चार्ज हो रहे उस तरफ से ज्यादा हो रही है ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी डोरेमोन को इधर करते हैं हैंग। सुबह सुबह हेल्पर आ गई है, काम शाम कर रही है। तो जी देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये खाना शाना खाएगा, पानी शानी पिएगा। बाहर वाले बर्ड्स को मैं देख आई हूँ, पानी शानी दे आई हूँ पौधों को भी। तो अंदर अब हेल्पर से काम शाम है जो वो करवा रही थी। काम भी तकरीबन हो गया तो बस अब वो बर्तन धोएगी क्योंकि सफाई हो गई है। तीन छुट्टियां उसने चार की हैं, ईद के दिनों में आई कोई नहीं थी। तो जी ये तो कोई नहीं बोली, ये तो उठेंगे मैं इन्हें कहूँगी आपने कहा था ये बोलेंगी, ये तो कुछ भी नहीं बोली, बस चुप चुपा है इनका, कुछ भी नहीं बोली। अब इनका मैं क्या करूँ, अब ये मेरी नगरी में आई हुई हैं, इनका भी मैं फिल वक्त इधर ही रखती हूँ। शायद आवाज़ आए बाहर से दूसरे बर्ड्स की तो बोलना शुरू कर दें, लेकिन दूर दूर तक कोई चांस नहीं मुझे लग रहा है कि ये बोलेंगी। उधर तो बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी, इधर नहीं है। लेकिन माशाल्लाह डोरे बहुत बोलना शुरू हो गया है। वो आप शहजादे हो, आप शहजादे हो। हाँ जी शहजादा है, शहजादा। हाँ जी क्या बात है, ठीक हो, ठीक हो आप? नहीं देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हैप्पी है बाहर ये। लेकिन अब मैं इसे अंदर ले जाऊंगी, बस बस जब तक सफाई करनी तब तक ये बाहर रहेगा, क्योंकि मुझे डर है कहीं मैं आऊँ आके इसे खा ना जाए। तो टाइम देख लें आप, टाइम हुआ है इस वक्त 8:30 का, और मैं अपने काम शाम करवा के फारिग भी हो गई हूँ माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं फारिग हो गई हूँ। अब मैं जाऊंगी और आटे लूंगी और सो जाऊंगी। A few moments later, वो जब यहाँ पर बच्चे उठ गए तो मुझे कह रहे थे कि कीमे की टिक्कियाँ बना दे, तो मैं कहा टिक्कियों पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने इसी तरह मैंने अपने लिए अब्दुल्सलाम और फिजा तीनों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कीमा जो वो फ्राई कर लूँगी, टिक्कियों वाले कीमा। इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला, नमक मिर्च वगैरह अदरक कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि पहले ही सब कुछ डला हुआ है। सिर्फ इसे मैं ऑयल में इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी, तो बहुत ही मज़े का ये कह लेंगे कीमा हमारा बन जाएगा। जल्दी से हम खाना खाते हैं, फिर इनके ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो जब यहाँ पर कीमा भी रेडी है, रायता भी, रोटियाँ भी, तो बच्चे भी तो जल्दी से हम देखिएगा भी यूँ हमने चटाचट और बटाबट कर लेना। तो जी यहाँ पर अब्दुल सलाम ने भी अपना जो है खाना फिनिश किया है, प्रिजा ने भी और मैंने भी खा ही लिया है। वो इशाल का जो है ना अभी तक पड़ा हुआ है। इशाल मिट्टू आपने ही स्ट्रांग हो रही, थोड़ा सा दिया था आपको, देखो उधर ही पड़ा हुआ है। मैं खिला दूं? चले चले जी मैं इशाल को अब खिला लूं, फिर उतनी देर में इनके हो जाएगा ट्यूशन का टाइम, 4:30 इन्होंने जाना है। चले फिर इशाल को तब तक हम खाना खिलाते हैं। चलो ये पकड़ लो, ये कारी साहब को देना है, किसको देना है उठा लोगी? कहना कारी साहब आपके लिए रखा हुआ था, आप आए नहीं थे ईद पे, तो ये आपका गोश्त का हिस्सा रखा हुआ था। चल मिट्टू क्या बोलोगे कारी साहब को, ये आपका गोश्त है? आपका गोश्त नहीं है, आपके लिए गोश्त भेजा, ठीक है? क्या कहेंगे वो पुत्र? बैग नहीं लिया मैं। बैग भी लेते जाओ। चल मिट्टू अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। A few inches later, देखें जी ये मर गई है एक, जो कल लेके आए हैं ना अभी, एक मर गई है अभी कल लेके आए हैं। बेटा मेरी जानू पहले फैन ऑफ कर लो, बाहर निकल भी गई तो बाबा जानी आके पकड़ लेंगे, ये ना हो पंखे का ज़्यादा टकरा के मर जाए, ये कह रही हूँ आपको। उसने बाहर निकलना पीने के लिए पानी। वो देखो पानी पी रही, देखो मर गई है एक,
कैसे मम्मा? मम्मी ने कैसे मरी है? पानी नहीं अंदर था इसीलिए मर गई है। वो कल की आई हुई है और कल का अंदर पानी ही नहीं था। मैं और ला के दूंगी, इधर आओ। आओ और लेके आते हैं, चल चलो आओ आओ लेने चले। और आओ बाहर वाले बर्ड्स को तो देखें, वो भी ठीक हैं कि नहीं। आओ सिरप पिलाऊं? सिरप? अच्छा आहिस्ता, तो आहिस्ता होना अब। यहाँ पर मैंगो मिल्क शेक की जिद कर रहा था मिठू, तो फिर मिठू के लिए बनाया, फिर हम सब ने भी पी लिया साथ में। बुलाओ मिठू को। तो मम्मा आपको बुला रही है, आपका मिल्क शेक। बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो। चलो आप लोग भी ले लो अपना अपना। हाँ इसलिए अब वो जिद कर रही थी, वो ठंडे का वेट ही नहीं उसने किया। रख लो आप लोग भी, अभी वो जिद कर रही थी, उसने ठंडा होने का वेट ही नहीं किया। मिठू ठंडा करना, गर्मी लगी हुई है शाम को। तो जी ये देखे बस गिन के ना 10 मिनट हुई है बारिश और ये हाल कर गई है तरपार। आज हमारी बोटी बोटी कर गई है, जैसे हमने कुर्बानी पे गोश्त की थी ना बोटियाँ, उस तरह से देखे हमारी तरपार की बोटी बोटी हो गई है। ये देख, सबसे पौधे इतने ज्यादा डैमेज हो गए यार। गिन के 10 मिनट, 10 मिनट भी मेरे हाथ में ज्यादा बता रही हूँ, कम ही हुई है और तबाही फेर गई है। वो अंडों की बच्चा तो ये है कि नहीं तोतों के, तो इस महीने बहुत ही हमारे तोतों के अंडे खराब हुए हैं। इस हफ्ते बहुत अंडे खराब हुए तोतों के। वो नीचे ना उसकी जड़ें चल गई हुई थी। ये देख वो नीचे गिर गया हुआ था। ये देखे वाकई जड़ें निकल आई हुई थी। देखें जी बादल अभी भी बहुत जोर जोर से बरसने को तैयार है, पर अभी चार्ज हो रहे उस तरफ से ज्यादा हो रही है ना। वो देखें अरे अब क्या तो भाई फेरेगी ये बारिश, भी रात को होगी फिर। हम संभाला करके ही सोऊंगा। अच्छा ऐसे नहीं सोऊंगा मैं। तो जब यहाँ पर अंडे फिर से गीले हो गए हैं उसी तोती बेचारी, उसने अंडे देने, ये कहते हैं बंद ही कर देने हैं कि अंडे ही नहीं मैंने देने। भूख हड़ताल में आ जाना। तो अब ये लो ड्राइव से कर रहे हैं कि इस तरह शायद हीट उसे थोड़ी सी मिले तो कुछ कर दिया। नहीं हाँ कर दिया उसको। ये देखें माशाल्लाह इसका, देखें एग अभी ठीक है। दुआ करिएगा कि ये वो बाकी के भी 3 है ब्रा, वो भी ब्रा। ये गिर किधर रखा है वो? ये खराब है, येलो येलो। हाँ ये खराब है, मुझे लगता है एक ही सही है। ये भी खराब है। हाँ ये भी दिख खराब है। बच्चा नहीं येलो है ना। ओके जी इसी के साथ ही आज का व्लॉग है जो वो कटे यहीं पर खत्म। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। ओके जी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।